हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन विद फ्रेश न्यू अनदर फोटोशॉप ट्यूटोरियल। तो गाइस कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो गाइस लेके आ चुका हूँ मैं आपके लिए एक फ्रेश न्यू फोटोशॉप का एपिसोड, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ट्रिक, और उस ट्रिक को अपनाते हुए आप अपनी जो ग्लासेज हैं, जो अपने एनक ATC हैं, उनके जो कलर्स हैं और उनकी जो स्टाइलिंग है वो चेंज कर सकते हैं बआसानी थोड़े ही टाइम में। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको आसानी मिल सकें। तो गाइस जैसा कि हम आ चुके हैं अपने फोटोशॉप में, गाइस पहला स्टेप आपने करना है लेयर को डुप्लीकेट, और अगेन इस टाइम गाइस आपने कर लेनी है सिलेक्शन अपनी फ़ोटो की। टूल जो भी आप यूज़ करें बस ये याद रखिए सिलेक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए। गाइस ये पिक्चर है थोड़ी ब्लर, इसलिए सिलेक्शन तो आपने कर ली लेकिन टाइम है इसमें थोड़ा सा फीदर ऐड करने का, और इस टाइम फीदर ऐड करने के बाद हम इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट। जैसे ये मैंने कर लिया एक लेयर को डुप्लीकेट, उसके बाद गाइस हमने करनी है इसकी सिलेक्शन। और इस टाइम गाइस अगर आप करना चाहें इसका कलर खुद से, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ ये कलर पेंट, तो एग्जाम्पल ये हो चुकी है मेरी सिलेक्शन। तो अभी आप अगर इसमें करना चाहें कोई कलर तो कर सकते हैं कलर, तो गया ये तरीका, लेकिन ये कुछ अच्छा भी नहीं और awkward भी लग रहा है। आप सिंपली जाएं Ctrl+U या इमेज एडजस्टमेंट और Hue सैचुरेशन, Hue सैचुरेशन में आने के बाद हम इसको करेंगे गाइस कलराइज। और गाइस आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं बआसानी से। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर लेता हूँ ये एक्वा कलर। इसके बाद गाइस हेयर तो होगी, अब ये चीज़ें ये एरिया जो हैं ये इसके लग रहे हैं बिल्कुल ऑकवर्ड, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए थी और यहाँ पर कलर भी नहीं होना चाहिए था। तो इसके लिए गाइस फर्स्ट स्टेप हम इसके ऊपर Ctrl+ करेंगे, और Ctrl+ करने के बाद हम इस लेयर के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये इसकी सिलेक्शन बन जाएगी। इसके बाद हम जाएंगे सिलेक्ट इनवर्स। गाइस आपको याद होगा हमने इस पर फीदर ऐड किया था, इस टाइम फिर फीदर पे आएंगे और 1.5 का इसमें फीदर फिर ऐड करेंगे। और गाइस इस टाइम हम बैकस्पेस प्रेस करते रहेंगे थोड़ा टाइम और देखेंगे इसका रिजल्ट। अगेन फैदर इसमें थोड़ा ऐड करेंगे अच्छे रिजल्ट्स के लिए। नाउ इस टाइम देख सकते हैं आप गाइस क्योंकि ये थोड़ा शार्पी और अच्छा दिखने लग गया है। इसके बाद गाइस आपने सिंपली ब्लर टूल देना, और हम इस पर ब्लर टूल ऐड कर देंगे ताकि ये ऑकवर्ड ना लगे।
इस तरह से तो गाइस हियर इज द आफ्टर हियर इज द बिफोर। अब देख सकते हैं कितना चेंज है। अभी टाइम है थोड़ा इसको और चेंज करने का, क्योंकि हमने इसकी जो हाइलाइट्स हैं, इसमें जो आग पर लाइट्स पड़ रही हैं, हमने उनको रिमूव करना है। अगेन करेंगे लेयर को डुप्लीकेट, मर्ज स्टैम्प नहीं करेंगे, स्टैम्प लेंगे और इसी का एरिया पिक करेंगे। अभी तो कर लिया हमने जस्ट ये, अभी जो एरियाज इसके कुछ बाकी रहते हैं या कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसके लिए हम अगेन करेंगे लेयर को डुप्लीकेट और चाहेंगे फिल्टर में ब्लर और गाइशन ब्लर। इस टाइम हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा यहाँ तक का गाइशन ब्लर, लेयर लेयर मास्क हाइड आल और ब्रश टूल सेलेक्ट करके हम इस पर कर देंगे कलर। याद रखिए आपका फोरग्राउंड कलर होना चाहिए वाइट, बैकग्राउंड कलर होना, क्योंकि हमने इसको रेडो नहीं करना, हमने इसको अंडो करना है। तो गाइज ये थी सिंपल सी टेक्निक और ट्रिक, देख सकते हैं आप, हमने जस्ट एक सिंपल सी टेक्निक से जो अपनी आई जो ग्लासेस हैं उनको हमने कहाँ से कहाँ चेंज कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आई, लाइक कमेंट और शेयर करते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।